एक डेड बॉडी मिला था, अननोन डेड बॉडी। फिर उसके बाद हमने हमारा इन्वेस्टिगेशन गुजरानी चौकी का इंचार्ज और अपना सदर SHO और उनका टीम वगैरह सारा लगाया हमने काम में। फिर उसके बाद हमने सारा इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स वगैरह शुरू किया। उसमें पता चला हमको मृतक का नाम है सतीश है, उम्र 32 ईयर्स, और पिताजी का नाम चांग सिंह, रहने वाला न्यू बाज़ार भिवानी का है। फिर उसके बाद हमको पता चला है सारा इन्वेस्टिगेशन तुरंत उसका केस हमने ट्रांसफ़र किया CAA-1 में, और CAA-1 का टीम और साइबर टीम के साथ बढ़िया काम कर दिया उन्होंने भी। फिर ऑल टेक्निकल एविडेंसेस और उसके बाद सारा प्रोसीडिंग्स में पता चला, और इसमें 2 अक्यूज्ड अभी तक हमने अरेस्ट किया। अक्यूज्ड 1 रोहताश है, उनको उम्र 41 ईयर्स, सन ऑफ ओम प्रकाश, रहने वाला सिटी कॉलोनी भिवानी का है। और अक्यूज्ड नंबर 2 ज्योति है और मृतक सतीश का बीवी है, उनको उम्र 28 ईयर्स, वो भी न्यू बाज़ार भिवानी का रहने वाला है। मोटा मोटी हमको इसमें पता चला है अवैध संबंध का कारण से और सतीश को मारने के लिए दोनों प्लान किया और एग्जीक्यूशन भी दोनों का मिलके किया। अभी तक सारा प्रेमा फैसिली और टेक्निकल एविडेंसेस का बेसिस पे हम दोनों अरेस्ट किया ही दोनों को, और दोनों का 2 दिन के लिए हमने पुलिस रिमांड ले चुका है। और इसके बारे में और डिटेल प्रेस नोट हमारा PRO की तरफ से रिलीज हो जाएगा, और सारा डिटेल इन्वेस्टिगेशन पूरा इसके बाद और 2 दिन अपने पास पूरा कंप्लीट करेंगे। सर किस से मारा गया और वहाँ पर कैसे लेकर गए थे? और वहाँ पर लेके गया था, उनका खुद का व्हीकल है, रोहतास का ई टैक्सी है, ई रिक्शा है, उसे लेके गया था। वहाँ पे पहले शराब पिलाया, उसके बाद वहाँ जाके गला से रस्सी बांध के मरवाया उनको। ज्योति और रोहतास कैसे मिले थे सर? नहीं, वो तो पड़ोस पड़ोस में होगा, तो सो उसका अब एक संबंध है, सो मोस्ट प्रॉब्ली हुई होगा। सर कब से चल रहे थे इनके संबंध? नहीं, हमारा तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पता चला है अराउंड 3-4 मंथ्स का पहले से शुरू किया इन्होंने, पर डिटेल सारा 2 दिन का रिमांड है। हम उसे पूछताछ बढ़िया से करके सारा टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करके फिर बढ़िया से हम प्रेस नोट रिलीज करेंगे इसके बाद। तो रोहतास शादी शुदा है सर? ना, रोहतास तो बैचलर है। इसको तो शादी होगी अराउंड 12 साल हो गया ज्योति का। कितने बच्चे? इसका 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, और दोनों का भी हम काउंसलिंग के लिए लिखा है, काउंसलिंग भी करना है उसको। एक डेड बॉडी मिला था, अननोन डेड बॉडी। फिर उसके बाद हमने हमारा इन्वेस्टिगेशन गुजरानी चौकी का इंचार्ज और अपना सदर SHO और उनका टीम वगैरह सारा लगाया हमने काम में। फिर उसके बाद हमने सारा इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स वगैरह शुरू किया। उसमें पता चला हमको मृतक का नाम है सतीश है, उम्र 32 ईयर्स, और पिताजी का नाम चांग सिंह, रहने वाला न्यू बाज़ार भिवानी का है। फिर उसके बाद हमको पता चला है सारा इन्वेस्टिगेशन तुरंत उसका केस हमने ट्रांसफ़र किया CAA-1 में, और CAA-1 का टीम और साइबर टीम के साथ बढ़िया काम कर दिया उन्होंने भी। फिर ऑल टेक्निकल एविडेंसेस और उसके बाद सारा प्रोसीडिंग्स में पता चला, और इसमें 2 अक्यूज्ड अभी तक हमने अरेस्ट किया। अक्यूज्ड 1 रोहताश है, उनको उम्र 41 ईयर्स, सन ऑफ ओम प्रकाश, रहने वाला सिटी कॉलोनी भिवानी का है। और अक्यूज्ड नंबर 2 ज्योति है और मृतक सतीश का बीवी है, उनको उम्र 28 ईयर्स, वो भी न्यू बाज़ार भिवानी का रहने वाला है। मोटा मोटी हमको इसमें पता चला है अवैध संबंध का कारण से और सतीश को मारने के लिए दोनों प्लान किया और एग्जीक्यूशन भी दोनों का मिलके किया। अभी तक सारा प्रेमा फैसिली और टेक्निकल एविडेंसेस का बेसिस पे हम दोनों अरेस्ट किया ही दोनों को, और दोनों का 2 दिन के लिए हमने पुलिस रिमांड ले चुका है। और इसके बारे में और डिटेल प्रेस नोट हमारा PRO की तरफ से रिलीज हो जाएगा, और सारा डिटेल इन्वेस्टिगेशन पूरा इसके बाद और 2 दिन अपने पास पूरा कंप्लीट करेंगे। सर किस चीज़ से मारा गया और वहाँ पर कैसे लेकर गए थे? और वहाँ पर लेके गया था, उनका खुद का व्हीकल है, रोहतास का ई टैक्सी है, ई रिक्शा है, उसे लेके गया था। वहाँ पे पहले शराब पिलाया, उसके बाद वहाँ जाके गला से रस्सी बांध के मरवाया उनको। ज्योति और रोहतास कैसे मिले थे सर? नहीं, वो तो पड़ोस पड़ोस में होगा, तो सो उसका अब एक संबंध है, सो मोस्ट प्रॉब्ली हुई होगा। सर कब से चल रहे थे इनके संबंध? नहीं, हमारा तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पता चला है अराउंड 3-4 मंथ्स का पहले से शुरू किया इन्होंने, पर डिटेल सारा 2 दिन का रिमांड है। हम उसे पूछताछ बढ़िया से करके सारा टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करके फिर बढ़िया से हम प्रेस नोट रिलीज करेंगे इसके बाद। तो रोहतास शादी शुदा है सर? ना, रोहतास तो बैचलर है। इसको तो शादी होगी अराउंड 12 साल हो गया ज्योति का। कितने बच्चे? इसका 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, और दोनों का भी हम काउंसलिंग के लिए लिखा है, काउंसलिंग भी करना है उसको।